देखे ना कालू जी, राजू भोजन ही नहीं खा रहा। मैंने इसके पसंद का बनाया है, फिर भी नहीं खा रहा। क्या बात है राजू बेटा, क्यों नहीं खा रहे भोजन? बाबा मुझे नहीं खाना ये भोजन, मामा से बोलो कि ये भोजन यहाँ से ले जाएं। अच्छा अच्छा बाबा, तो फिर क्या खाना है मेरे बेटे को? बाबा मुझे बर्गर खाना है, पर मम्मा है कि मुझे बर्गर लाकर दे ही नहीं रही। तो क्या हुआ मेरे बेटे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अभी बर्गर लाकर देता हूँ। राजू कौवे से ऐसा बोलकर कालू कौवा बर्गर लेने चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझे जरा एक बढ़िया सा गरम गरम बर्गर तो बनाकर दे दो। अरे माफ करना कालू कौवे, बर्गर तो खत्म हो गया, अब कल ही आएंगे। एक काम करो ना, तुम ये पिज्जा ले जाओ, बहुत ज्यादा मजे का है ये। पर बुलबुल बहन, मुझे तो बर्गर ही चाहिए, ये पिज्जा लेकर मैं क्या करूँगा? कालू कौवे, बर्गर तो नहीं मिल सकता आज। अगर ये पिज्जा लेना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। यार मैं क्या करूँ, अगर राजू के लिए कुछ ना लेकर गया तो राजू कौवा तो और ज्यादा गुस्सा करेगा और आज पूरा दिन भोजन नहीं खाएगा। एक काम करता हूँ, इसके लिए ये पिज्जा ही ले जाता हूँ, क्या पता खा ले। अच्छा ठीक है बुलबुल बहन, मुझे ये पिज्जा ही दे दो। फिर कालू कौवा गरम गरम पिज्जा लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, क्या आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे देखो मेरे बेटे, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पसंद का भोजन है, जल्दी से खा लो अभी से। बाबा क्या लाए हो आप? राजू ये पिज्जा है, बहुत ज्यादा मजे का होता है, चलो अब जल्दी से खा लो इसे, वरना तुम्हारी मम्मा ये सारा पिज्जा खा लेंगी। क्या पिज्जा? बाबा मैंने आपको कहा था कि मुझे बर्गर खाना है, मैं बर्गर के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा, अब इसे ले जाओ यहाँ से। राजू बस करो, अब अपनी ये जिद बंद करो, वरना लगाऊंगी एक। अरे नहीं नहीं रानी, मेरे बेटे को मत डांटो, ये बहुत अच्छा है, अभी खा लेगा ये पिज्जा। राजू कौवा तो कालू कौवे से भी आगे की चीज था, वे पिज्जा उठाकर घर से बाहर लाकर फेंक देता है। बेटा राजू, ये तुमने क्या किया, पिज्जा बाहर ले जाकर क्यों फेंक दिया? देख लिया कालू जी, और चढ़ाए से सर पर, ये तो बस हमारे पैसे जाया करवाना चाहता है। कुछ देर बाद वे पिज्जे का बॉक्स देखकर वहां पर मीनू चिड़िया आती है। हाय रे, ये कालू कौवा इतना अमीर है कि इसने इतना बड़ा पिज्जे का अच्छा बॉक्स ऐसे ही फेंक दिया। भोजन की तो कोई कदर ही नहीं कालू कौवे के सामने, ऐसे ही फेंक दिया। और एक हम गरीब पक्षी हैं जो भोजन इतनी मेहनत से ढूंढते हैं। फिर मीनू चिड़िया वे पिज्जे का बॉक्स उठाकर अपने साथ ले जाती है और कालू कौवा मीनू चिड़िया को देख लेता है। एक तो ये गरीब पक्षी कभी नहीं सुधरेंगे, गिरा पड़ा भोजन ऐसे ही उठा कर ले जाते हैं। रानी, जो पिज्जा राजू ने घर के बाहर ले जाकर फेंका था, वे पिज्जा तो मीनू चिड़िया उठाकर अपने घर ले गई। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर, वे गरीब पक्षी मेरे पैसों का पिज्जा खाएंगे अब। वैसे कालू जी, आज तो मीनू चिड़िया के घर पर रिश्ते वाले आ रहे हैं सोनू चिड़िया को देखने, जरूर वे पिज्जा मीनू चिड़िया रिश्ते वालों को ही खिला देगी। कितनी चलाक है मीनू चिड़िया, हमारे पैसों का पिज्जा वे रिश्ते वालों को खिलाकर अपना नाम बना लेगी और वे समझेंगे कि मीनू चिड़िया के पास बहुत पैसा है। मैं अपने पैसों से किसी और को फायदा नहीं उठाने दूंगा। रानी कुछ करो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो एक काम करते हैं कालू जी, क्यों ना हम मीनू चिड़िया के रिश्ते वालों को जाकर सच सच बता दें कि वे पिज्जा हमारा है और मीनू चिड़िया ये पिज्जा चुरा कर लेकर गई है। हाँ रानी, ऐसा ही करते हैं, चलो चलते हैं फौरन। वही मीनू चिड़िया पिज्जा मिलने पर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी, क्योंकि आज उसकी भोजन की चिंता दूर हो गई थी। मैं तो बहुत ज्यादा चिंता में थी कि आज रिश्ते वाले आ रहे हैं और मैं उन्हें क्या भोजन खिलाऊंगी, पर देखो तो मुझे ये पिज्जा मिल गया, अब ये पिज्जा मैं उन्हें खिला दूंगी और वे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे मामा चलो जल्दी, रिश्ते वाले आ गए हैं। चिड़ा और उसकी माँ सोनू चिड़िया का रिश्ता लेकर उनके घर पर आ जाते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, परंतु मुझे एक संस्कारी बहू चाहिए जो मेरे घर को आराम से चला सके। अरे चिड़िया बहन, ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले आप दोनों ये गरम गरम पिज्जा खाएं। वैसे भी आप दोनों कितनी दूर से आ रहे हैं, आते आते भूख लग गई होगी ना। अरे अरे मीनू आंटी, आपने ऐसे ही इतना खर्चा क्यों कर लिया? बस तभी वहाँ पर कालू कौवा और रानी कौवी सोनू चिड़िया का रिश्ता खराब करने आ जाते हैं। यार कितनी झूठी हो मीनू चिड़िया, कितना बड़ा झूठ बोल रही हो, मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारी बात सुनकर। झूठ? कैसा झूठ कौवे?
चिड़िया बहन, क्या आपको लगता है कि ये गरीब मीनू चिड़िया इतना महंगा पिज्जा खरीद सकती है? अरे सच क्यों नहीं बताती मीनू चिड़िया, सच बताओ ना इनको। बेचारी मीनू चिड़िया कालू कौवे की ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। देखो चिड़िया बहन, इस गरीब मीनू चिड़िया के पास कोई जवाब नहीं है, तभी तो चुप खड़ी है। सच बताना है ना? मैं बताती हूँ सच। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा बहुत गरीब हैं। वे भोजन लेने बाहर गई थीं, परंतु इन्हें कालू अंकल के घर के नीचे ये ताज़ा गरम गरम पिज्ज़ा दिखा, और कालू अंकल को तो भोजन की बिल्कुल भी कदर नहीं। पर मेरी मम्मा तो भोजन की बहुत कदर करती हैं, क्योंकि भोजन को खाया जाता है, फेंका नहीं जाता। अब आप खुद बताएं चिड़िया आंटी कि मेरी मम्मा ने कुछ गलत किया है क्या? अरे बेटी, तुमने तो मुझे बिल्कुल सच बता दिया। तुम चाहती तो मुझे झूठ कह सकती थी कि ये पिज्ज़ा तुम्हारी मम्मा बाजार से खरीद कर लाई हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती हूँ, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि जो रिश्ते झूठ बोलकर बनते हैं वे टूट जाते हैं। सोनू चिड़िया की ये बात सुनकर रिश्ते वालों को सोनू चिड़िया बहुत पसंद आती है। मीनू चिड़िया, तुमने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये बात सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा जलते हैं और गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। और इस तरह मीनू चिड़िया के अच्छे संस्कारों की वजह से आज सोनू चिड़िया का रिश्ता पक्का हो जाता है। जंगल में उल्लू महाराज का राज्य था। उल्लू महाराज थे तो बहुत अच्छे, परंतु बहुत ही स्वार्थी थे। वे अपने परिवार का पहले सोचते थे और पक्षियों का बाद में। उल्लू महाराज का एक छोटा सा बेटा भी था। बाबा, मुझे जंगल की सैर को जाना है, मुझे जंगल घुमाने ले चलो। अच्छा मेरे बेटे, जरूर, मैं अपने बेटे को अभी जंगल की सैर कराता हूँ। फिर उल्लू महाराज अपने बेटे को जंगल की सैर कराने ले जाते हैं और अपने बेटे को पूरा जंगल बहुत अच्छे से घुमाते हैं। बाबा बाबा, थोड़ा और आगे चलो, मुझे पहाड़ों को भी देखना है। अरे बेटा, वे पहाड़ों की जगह चीलों की है, वहाँ बहुत खतरा है। उल्लू महाराज चीलों से तो बहुत ज्यादा ही डरते थे। नहीं बाबा, बस ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर उल्लू महाराज अपने बेटे के कहने पर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। बस फिर क्या था, पहाड़ों की तरफ जाते ही एक बड़ी सी चील आ जाती है और वे नन्हे उल्लू को पकड़ लेती है। अरे बाप रे बाप, मेरा बेटा, बाजू चील, छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरा इकलौता बेटा है ये। वाह भाई वाह, आज तो मैंने महाराज के बेटे को पकड़ा है, तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगी मैं। अगर तुम्हें अपना बेटा जिंदा वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने जंगल में आने की अनुमति देनी होगी, और फिर मेरी मर्जी होगी कि मैं दिन में कितने भी पक्षियों का शिकार करूं। यह तुम क्या कह रही हो? अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस जंगल का महाराज हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है उल्लू महाराज, मैं इस नन्हे उल्लू को ही खा लेती हूँ। बाबा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रुक जाओ बाजू चील। अच्छा भाई ठीक है, तुम मेरे जंगल में आ सकती हो, और तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम जितने भी पक्षियों का शिकार करो, परंतु बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तो ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को जब भी छोड़ूंगी, जब मैं तुम्हारे जंगल के सारे नन्हे पक्षियों को मारकर खा लूंगी। बस फिर बाजू चील नन्हे उल्लू को लाकर अपने घोंसले में कैद कर लेती है। नन्हे चील, बस तुम घोंसले में ही रहकर इस नन्हे उल्लू को देखते रहना, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। ये कहकर बाजू चील उल्लू महाराज के साथ जंगल में घुस जाती है। पक्षियों, बाजू चील ने मेरे बेटे को कैद किया हुआ है, और वे मेरे नन्हे उल्लू को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वे जंगल के सभी नन्हे पक्षियों को मारकर न खा जाए। बस मैं अपने बच्चे को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बाजू चील को तुम सब पक्षियों के बच्चों का शिकार करने की इजाजत दे दी है। उल्लू महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने एक बच्चे को बचाने के चक्कर में हम सब पक्षियों के बच्चों को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? और वैसे भी आप तो इस जंगल के महाराज हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीनू चिड़िया, पहले मुझे अपना परिवार प्यारा है, बाद में ये जंगल। जंगल के पक्षियों, अब से तुम सबका बुरा वक्त शुरू हो गया है, अब तुम सब अपने बच्चों को मुझसे बचा कर ही रखना। उल्लू महाराज, आप महाराज होने का गलत फायदा नहीं उठा सकते, हमारे बच्चे तो हमारे जंगल का भविष्य हैं। पक्षियों, यहाँ से चले जाओ, वरना बाजू चील तुम सब पर हमला कर देगी, फिर बाद में मुझे मत कहना। उल्लू महाराज, देखिएगा, आपको आपकी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। बस फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं
अगले दिन से बाजू चील पक्षियों के बच्चों का शिकार करना शुरू कर देती है। हाय रे मेरा मासूम बच्चा, उस जालिम चील ने मार कर खा लिया। ऐसे महाराज का क्या फायदा जो हम पक्षियों को नुकसान से न बचा सके। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। बाजू चील जंगल के काफी सारे बच्चों को खा चुकी थी। एक रात जब मीनू चिड़िया सो रही थी कि मीनू चिड़िया को एक सपना आता है। मेरी बेटी मीनू चिड़िया, जंगल में इतनी तबाही फैली हुई है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। आखिर मैंने तुम्हें मुश्किलात से डर के भागना तो नहीं सिखाया था। उठो फौरन और अपने दिमाग से बाजू चील का खात्मा कर डालो। बस तभी मीनू चिड़िया की आँख खुल जाती है। माँ मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी, देखना मैं उस बाजू चील का एक दिन खात्मा जरूर कर दूंगी। सुबह होते ही मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपने घर में जमा करती है। पक्षियों हम सब ऐसे ही अपने बच्चों का शिकार होते हुए नहीं देख सकते। बस बहुत हो गया, अब हमें बाजू चील को रोकना होगा, उसका खात्मा करना होगा हमें। हाँ मीनू चिड़िया तुम ठीक कह रही हो, वे जालिम बाजू चील तो मेरे राजू कौवे, तुम्हारी सोनू चिड़िया, नन्हे कबूतर और बुलबुल के बच्चे को भी मार चुकी है और ना जाने आगे कितने पक्षियों का मार के शिकार करेगी वो। अब बस हमें किसी भी तरह उस जालिम बाजू चील को रोकना होगा। वैसे पक्षियों मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है जिससे हम बाजू चील और उल्लू महाराज दोनों को ही सबक सिखा सकते हैं। फिर कालू कौवा अपना उपाय पक्षियों को बताता है। वाह कालू कौवे, उपाय तो वाकई बहुत अच्छा है, हमारा ये उपाय जरूर काम करेगा। रात हो जाती है, कालू कौवा और मीनू चिड़िया फौरन से बाजू चील के घोंसले में आते हैं। चलो मीनू चिड़िया जल्दी से इस नन्हे उल्लू को उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा नन्हे उल्लू को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से ले जाते हैं और वे दोनों उल्लू महाराज के बेटे को लेकर एक गुफा में आते हैं। तोते अब से इस उल्लू की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जब तक ये उल्लू इस गुफा में है तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मीनू चिड़िया तुम फिक्र ही ना करो, मैं इस नन्हे उल्लू को छोड़कर कहीं जाऊंगा ही नहीं। अगली सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया फौरन से उल्लू महाराज के पास आती है। उल्लू महाराज आपको पता है बाजू चील आपको कितना बड़ा धोखा दे रही है, वे तो आपके बेटे को कब का मार के खा चुकी है और आपसे झूठ कह रही है। क्या बाजू चील मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती? बाजू चील को तो मैंने पूरी इजाजत दी थी कि जंगल के पक्षियों को मारकर खाए, तो फिर उसने मेरे बेटे को क्यों मारा? अब वो तो जाकर आप बाजू चील से ही पूछें, क्योंकि बाजू चील तो अब तक आपके बेटे को मार के खा चुकी है। अब जब बाजू चील मेरे बेटे को मार के खा ही चुकी है तो उससे डरना किस बात का। अभी अपने सैनिक लेके जाता हूँ और बाजू चील और उसके बेटे को बंदी बना लेता हूँ। फिर उल्लू महाराज अपने सैनिक लेकर बाजू चील के पास आते हैं। धोखेबाज चील, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बंदी बना लूंगा। तुमने मेरे बेटे को मार के खा लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं उल्लू महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, ना जाने कल रात से वे कहाँ चला गया, मुझे तो खुद नहीं पता उसके बारे में। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे बेटे का शिकार कर लिया और अब तुम मुझसे बचना चाह रही हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें बंदी बनाने आया हूँ। बस फिर उल्लू महाराज के सैनिक लाकर बाजू चील और उसके बेटे को बंदी बना लेते हैं। उल्लू महाराज आपने बाजू चील को तो सबक सिखा दिया, परंतु अब आपको सबक कौन सिखाएगा? बस उल्लू महाराज आपकी यही सजा है कि आज से आप हमारे जंगल के महाराज नहीं, और आज के बाद आप हमारे जंगल में भी नहीं रहेंगे। हम चाहते तो आपके बेटे को मार के अपना बदला ले सकते थे, परंतु हम आपकी तरह स्वार्थी नहीं हैं। चलो चलो उल्लू महाराज, जल्दी से अपने परिवार को लो और इस जंगल से निकल जाओ, वरना हम पक्षियों से बुरा कोई नहीं होगा। फिर सब पक्षी मिलकर उल्लू महाराज के परिवार को अपने जंगल से निकाल देते हैं और अब उल्लू महाराज को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। दोस्तों अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया और कालू कौवा काफ़ी देर से भोजन तलाश कर रहे थे, परंतु आज तो उन्हें भोजन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। यार वैसे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, परंतु इस जंगल में अब भोजन ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, देखो तो हम भोजन ढूंढते ढूंढते इस कड़ी गर्मी में कितनी ज़्यादा दूर आ गए जंगल से, परंतु अभी तक हमें भोजन कहीं पर भी नहीं मिला। कौवा और चिड़िया भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाते हैं। वे दोनों जा ही रहे थे
कि अचानक मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और अचानक तेज़ बारिशें शुरू हो जाती हैं। लो जी, पहले ही मुश्किलें कम थी जो एक मुश्किल और खड़ी हो गई। चलो मीनू चिड़िया, जल्दी से घर चलते हैं इससे पहले कि ये बारिशें और ज़्यादा तेज़ हो जाएं। हाँ हाँ, चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुझे तो लगता है कि जंगल में काफ़ी तेज़ तूफान आने वाला है। मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपने घर पर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें बारिश में एक बूढ़ा पक्षी दिखता है जो कि अपने भारी सामान को उठा नहीं पा रहा था। ओहो, बेचारा बूढ़ा पक्षी अपने सामान को उठा ही नहीं पा रहा। चलो चलो जाकर हम इसकी जल्दी से मदद करते हैं। हाँ हाँ जरूर, हम मदद कर देते हैं इसकी। कौवा और चिड़िया उस बूढ़े पक्षी के पास आते हैं और उसका भी भारी सामान उठाकर उसके घर पर ले आते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पक्षियों। आजकल के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, पर तुम दोनों ने मेरी मदद करके मेरी मुश्किल आसान कर दी। पक्षी जी, हमने तो ये कुछ भी नहीं किया, बस ये तो हमारा फर्ज था। मीनू चिड़िया, जल्दी चलो, बारिशें और तेज हो जाएंगी और यहाँ से तो हमारा घर अभी बहुत दूर है। रुको रुको, तुम दोनों ने मेरी मदद की, मैं तुम दोनों को ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम दोनों को कुछ देता हूँ। वे बूढ़ा पक्षी उन दोनों को एक किताब देता है और उनसे कहता है, ये लो कौवे, ये किताब तुम रख लो, ये किताब तुम्हारे बहुत काम आएगी। माफ करना बूढ़े पक्षी, परंतु मुझे ये किताब विताब नहीं चाहिए, किताबों से तो मुझे बचपन से ही नफरत है। अरे अरे कालू कौवे, ऐसा नहीं कहते, किताबों से तो हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। चलो ठीक है भाई, ये किताब मैं ले लेती हूँ। मीनू चिड़िया वे किताब रख लेती है और वे दोनों पक्षी फौरन से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह मीनू चिड़िया वे किताब खोलती है और उसे पढ़ने लगती है। मैं एक जादुई किताब हूँ, जो कोई सच्चे दिल से मुझसे कोई भी चीज मांगेगा मैं उसे जरूर दूंगी। परंतु हाँ, याद रहे, मुझसे सिर्फ दिन में 3 इच्छाएं मांगना, और अगर किसी ने लालच में आकर मुझसे 4th इच्छा मांग ली तो मैं उसे दंड दूंगी। अरे मम्मा, ये क्या आप बेकार किताब पढ़ रही हो, ये सब झूठ लिखा है इसमें, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। हाँ मानो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई में एक जादुई किताब हो। अच्छा मानो चिड़े, मैं एक इच्छा मांगती हूँ इस किताब से। एक जादुई किताब मानो और मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन दे दो। चिड़िया का बस इतना ही कहना था कि उनके सामने जादुई किताब के जादू से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। मीनू चिड़िया तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। अरे ये तो वाकई में जादुई किताब है, मानो चिड़े हमारे तो भाग्य ही खुल गई, मानो जैसे हमारे हाथ एक खजाना लग गया हो। हाँ मम्मा, परंतु ये किताब मुझे बहुत खतरनाक भी लग रही है, हमें दिन में सिर्फ इस किताब से 3 इच्छाएं मांगनी होंगी, अगर हमने 4th मांग ली तो ये हमें दंड देगी। तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस बात का तो खास ख्याल रखना होगा। बस अगले दिन से मीनू चिड़िया पक्षियों की फरमाइश पूरी करने लगी थी और पक्षियों को उनका मन पसंद भोजन देती थी। माफ करना बुलबुल बहन, परंतु अब कल सबसे पहले तुम आना मेरे पास, अभी तो 3 इच्छाएं मैंने मांग ली हैं इस किताब से, 4th नहीं मांग सकती मैं अब, क्योंकि 4th इच्छा मांगने पर ये किताब दंड देती है, इसीलिए बुलबुल बहन आप कल आ जाना। इसी तरह मीनू चिड़िया रोजाना 3 इच्छाएं पूरी करके पक्षियों को खुश कर देती थी। पक्षियों के भी जैसे मानो अब मजे ही लग गए थे, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में अब पक्षियों को भोजन ढूंढने की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे अभी आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आप जो भी काम करते हो बस गड़बड़ ही कर देते हो। अरे जब ये बूढ़ा पक्षी आपको ये जादुई किताब दे रहा था तो आपने मना क्यों कर दिया उसे? हमारे हाथ लगा खजाना आपने उस मीनू चिड़िया को दे दिया, सोचिए तो जरा, अगर वे किताब हमारे पास होती तो आज जंगल के सारे पक्षी हमारे गुलाम होते, हम पक्षियों से अपने सारे काम करवाते और उसके बदले में पक्षियों की सारी इच्छाएं पूरी करते। मुझे भी बहुत पछतावा है इस बात पर, लेकिन मुझे क्या पता था कि वे जादुई किताब निकलेगी। तुम्हें तो पता है ना रानी कि मुझे किताबों से कितनी नफरत है, बस इसीलिए मैंने वे जादुई किताब लेने से मना कर दिया था। परंतु तुम चिंता ही मत करो, मैं मीनू चिड़िया से वे किताब लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उस किताब पर असल हक मेरा है। इतना कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। कालू कौवे, तुमने देर कर दी आने में, अब कल आना, तुम्हारी इच्छा मैं कल पूरी करूंगी।
ओ चिड़िया, मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मैं तो यहाँ पर बस अपनी जादुई किताब तुमसे वापस लेने आया हूँ। चलो जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। मेरी किताब मुझे वापस कर दो। है तुम्हारी कौन सी किताब का लुकावी? ये किताब तो मेरी है ना। देखो भाई, तुम्हें भी पता है कि ये जादुई किताब सबसे पहले उस बूढ़े पक्षी ने मुझे दी थी, इसीलिए इस किताब पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ, पर तुमने साफ साफ मना भी तो कर दिया था ना, इसीलिए ये किताब सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और मैं जानती हूँ कालू कावे, अगर ये किताब मैंने तुम्हें दे भी दी तो तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे, इसीलिए ये किताब मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अगर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो तो कल आ जाना मेरे पास, परंतु ये किताब सिर्फ और सिर्फ मेरी है। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रात हो जाती है, मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भोजन खाकर आराम से सो जाते हैं। तभी कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया के घर में ये जादुई किताब चुराने आता है। मैं यहाँ तो आ गया, परंतु अगर मैंने ये जादुई किताब चुरा ली तो अगले दिन मीनू चिड़िया मुझसे ये किताब छीन लेगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे बंदी बनवा देगी। मैं एक काम करता हूँ, इस जादुई किताब से ऐसी इच्छा मांगता हूँ कि सारी जिंदगी बस आराम से बैठकर खाऊं और मुझे काम करने की कोई जरूरत ना हो। फिर वे कालू कौवा वे किताब खोलता है और कहता है, ए जादुई किताब, मुझे बहुत अमीर बना दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो और अपने बहुत बड़े बड़े घर हो, और हाँ, मीनू चिड़िया और जंगल के सब पक्षियों को बहुत ज्यादा गरीब कर दो। इतना गरीब कि जंगल के सब पक्षी आकर मुझसे पैसे मांगे और मैं सब पक्षियों को अपना गुलाम बना लूं। मीनू चिड़िया ने तीन इच्छाएं तो पहले से ही मांग रखी थी, चौथी इच्छा मांगने पर उस जादुई किताब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लालची पक्षी, चौथी इच्छा मांगने पर अब मिलेगा दंड। वे जादुई किताब अपने जादू से कालू कौवे को पूरा पत्थर का बना लेती है। अगले दिन जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा सोकर उठते हैं तो वे कालू कौवे को पत्थर बना हुआ देख लेते हैं। अरे मम्मा, ये क्या, कालू अंकल की पत्थर की मूर्ति हमारे घर में कैसे आ गई? पर मुझे पता है, मानो ये मूर्ति नहीं बल्कि खुद कालू कौवा है। जरूर कालू कौवे ने लालच में आकर रात को इस जादुई किताब से चौथी इच्छा मांग ली होगी, तभी तो इस जादुई किताब ने कालू कौवे को दंड दे दिया। बस अब कालू कौवा हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है और इस तरह कालू कौवे को अपने लालच की सजा मिल जाती है।